भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कलेक्टर पहुंचकर किसान बिल पर जहां पर संशोधन की मांग की है, उन्होंने अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन के 3 सूत्रीय संशोधन बिंदु भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसल खरीदने वालों को जेल और लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं जहाँ पर अनावश्यक रूप से भंडारा, जहाँ पर जमाखोरी पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को उपज का सही समय पर भुगतान ना करने पर जहाँ पर दंड कार्रवाई की मांग की है। टाइम बिगिन न्यूज शनि के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट राम भवन रायबरेली। जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से डीएम साहब को अपना एक ज्ञापन सौंपने के लिए आया था। उसमें कुछ हमारे संगठन की मांग है, कुछ संशोधन किया जाए, जिसके लिए एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारा एक ज्ञापन लिया और कहा हम अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी दे दिया जाएगा, जो भी होगा आपको इसके लिए हमारा एक ज्ञापन सौंप दिया। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो ये अध्यादेश पास हुआ है, इसमें हमारे संगठन के कुछ तीनों अध्यादेश पे ये कुछ संशोधन करने के लिए, जो हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रायबरेली, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। मैं आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से मिल करके अपना ज्ञापन देने आया था, जो 3 किसानों के उसमें बिल पास हुए हैं, उन बिलों में संशोधन करने के लिए हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि उन्हें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन के साथ में उसको पेश किया जाए। इसके लिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैंने अपना ज्ञापन दिया है और उनसे मैंने आग्रह किया है कि हमारा ये काम जो है करें, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको राष्ट्रपति महोदय को और जो प्रधानमंत्री जी को मैंने ज्ञापन सौंपा है वो उनको पहुँचाएंगे और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन